हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी जो हमारे सामने ये गाड़ी देख रहे हो, बजाज पल्सर 125 सीसी का ये गाड़ी है, जिसका मीटर कंसोल में आपको पूरा का पूरा चेंजेस हो गया है। 2024 में क्या कुछ अपडेट है आपको मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इंजन सेक्शन में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप जानते हो अब ये इंजन पहले वाला इंजन नहीं रहा, BS6 फेज 2 का इंजन इसमें आ गया है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको इसके सबसे फ्रंट पार्ट से कि इसका वाइजर सेक्शन। तो इसका वाइजर सेक्शन की अगर बात कर ले तो आप देखोगे कि पहले जितने साल से ये पल्सर लॉन्च हुआ है ना, इसका वाइजर सेक्शन सेम आपको यही मिलता है। हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ट आपको इसका हेडलाइट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे बजाज का लोगो और ये दो DRLs मिलेंगे जो कि बिल्कुल आई सेप्ट में रहते हैं। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे रेड में आपको बल्ब के साथ आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसका जो बटन सेक्शन देखोगे, यहाँ भी आपको इसका लाइटिंग सेक्शन मिलता है। तो अंधेरे में आप जाओगे, रात में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये गाड़ी प्रीमियम लगेगा। अगर कोई दूर से भी बंदा देखेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके फ्रंट के सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिलता है। यानी फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन का डायमेंशन भी बहुत सही है, फ्रंट टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो 80x100 सेक्शन का 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 240 mm के आसपास आपको इसकी ब्रेक डायमीटर देखने को मिलती है। C8 की कंपनी ट्यूबलेस टायर यूज़ की है। साथ ही साथ अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ इसका ये सेक्शन, यानी वाइजर सेक्शन से लेकर सस्पेंशन से लेकर फ्रंट टायर बिल्कुल मस्त है इस गाड़ी का। बाकी बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की, तो यहां पे आपको 124.4 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व ट्विन स्पार्क टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन इंजन सेक्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 11.8 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है, जो कि 8500 RPM पे वर्क करती है। और टॉर्क की अगर बात करें तो 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देती है, जो कि 6500 RPM पे वर्क करती है। यहाँ पे आप देखोगे पल्सर का 3D लोगो, भाई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक पे देखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव ये पल्सर का 3D लोगो लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टिकर मिलता है जिससे गाड़ी में स्क्रैच होने से बचाता है। 11.5 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और ये जो गाड़ी है ना, यहाँ पे आप E20 का स्टिकर अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन के साथ है, जिसमें आप इथेनॉल डाल के भी गाड़ी को चला सकते हो। साथ ही साथ लेफ्ट हैंडल बार में देखें ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक लाइट सेक्शन जल जाता है, पास लाइट, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर और एक हॉर्न का ऑप्शन आता है। राइट सेक्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर में इंजन किल स्विच और एक सेल्फ स्टार्ट। की की अगर बात करें तो की आपको नॉर्मल की मिलता है, इसमें वेब की नहीं मिलता है। लॉक सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे, लॉक सेक्शन आप देख लीजिए यहाँ पे। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलता है, जिसमें अपडेटेड क्या है ना, IFE एवरेज फ्यूल इफिशियंसी और DTE यानी डिस्टेंस टू MT। एवरेज फ्यूल इफिशियंसी में बताता है कि 1 लीटर तेल में आपका गाड़ी कितना माइलेज दे रहा है। साथ ही साथ डिस्टेंस टू MT यानी अगर भैया आप 2 लीटर तेल डालते हो तो 2 लीटर तेल में आपका गाड़ी कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज़ आपको डिस्टेंस टू MT से दिखाता है। क्लिप ऑन बार टाइप का हैंडल बार देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फ्यूल। गाड़ी का ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2042 mm के आसपास इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। 1060 mm की इसकी हाइट मिलती है। 790 mm के आसपास इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है। और वहीं बात करते हैं इसकी कर्व वेट की, तो 142 kg के आसपास इसका कर्व वेट देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखोगे 165 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ बजाज पल्सर 125 सीसी में आपको ट्विन सीट भी मिलता है और सिंगल सीट भी मिलता है, यानी अगर आप 2 सीट वाला चाहते हो तो वो मिलेगा, स्प्लिट सीट में चाहिए तो वो भी मिलेगा, सिंगल सीट में भी मिलेगा। यहाँ पे इसके रियर की सस्पेंशन की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन है, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को आप खुद से भी चाह सकते हैं तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। बाकी पीछे की टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 100x90 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 17 इंच का रहता है। ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 130 mm का 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक रहता है। टायर की चौड़ाई आप देखोगे 100 mm का आपको पीछे का टायर का चौड़ाई मिलता है, कंपनी C8 का टायर प्रोवाइड कराती है। चेन कवर के पास देखोगे तो फुली कवर, भाई पूरा पैक मिलता है, धूल मिट्टी नहीं घुसेगा। बाकी गियर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये गाड़ी 5-स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ है, 1 गियर आपको इसमें आगे लगता है, बाकी का जो 4 गियर है वो आपको पीछे लगेगा। साथ ही साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ ये गाड़ी देखने को मिलता है। सीट
सीट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको दो टाइप के सीट मिलते हैं, ये है सिंगल सीट में, और अगर आपको चाहिए तो आपको स्प्लिट सीट में मिलता है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। 125 सीसी का ये गाड़ी देख सकते हो, बजाज पल्सर में आपको 125 सीसी पे 7,200 रुपये का कैश डिस्काउंट मिलता है। वहीं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका जो बेस मॉडल का पल्सर है ना, इसकी जो ऑन रोड प्राइस, अभी आप सबसे पहले इसका लाइटिंग सेक्शन देख लो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। बेस मॉडल की प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो पल्सर 125 सीसी का जो बेस मॉडल का प्राइस है वो 97,400 रुपये में मिलता है, और वहीं टॉप मॉडल की प्राइस के पास जाते हो तो 1,07,000 रुपये के आसपास टॉप मॉडल का मिलता है। लोन एंड फिनांस की बात करें तो आप मिनिमम 15,000 से 20,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर डीलरशिप के पास से गाड़ी को परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो पल्सर 125 से रिगार्डिंग, या फिर बजाज की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप JPS बजाज डाल्टनगंज में आइए, कॉल करिए, या फिर आप बुकिंग भी करा सकते हो, गाड़ी को परचेज कर सकते हो। आप हमारे नाम लेंगे, हमारा चैनल का नाम लेंगे, अभिषेक तिवारी ब्लॉग चैनल से आए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये था बजाज पल्सर 125 सीसी का बाइक, जिसमें किक के साथ साथ सेल्फ का भी ऑप्शन मिलता है, 11.5 लीटर का टंकी मिलता है। गाड़ी आपको कैसा